नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मुस्लिमों को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, ये ईसाई धर्म का हिस्सा है, ऐसा मुस्लिमों को करने से बचना चाहिए। ये शब्द हैं, ऐसा कहना है देवबंद दारुल उलूम के मौलाना असद कासमी का। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि देवबंद दारुल उलूम क्या है और वो क्यों हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। दरअसल देवबंद का दारुल उलूम मदरसा हमेशा विवादों में रहता है। कुछ समय पहले सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर एक संदिग्ध छात्र को गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ की गई थी और ये पता लगा था कि यहाँ पर वो फर्जी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, फर्जी तरीके से रह रहा है। इसके बाद दारुल उलूम के जब सर्वे हुआ, जब यूपी में मदरसों का सर्वे किया जा रहा था, तो ये पता लगाया गया कि दारुल उलूम जो मदरसा है वो भी वहाँ पर अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, यानी कि वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बात भी सर्वे में सामने आई थी। और वैसे भी दारुल उलूम जो मदरसा है वो हमेशा सुर्खियों में वैसे ही बना रहता है, क्योंकि वो तरह तरह के जो फतवे हैं वो जारी करता रहता है, कभी महिलाओं की बिंदी को लेकर, कभी महिलाओं के कपड़ों को लेकर, तो कभी महिलाओं के परिवार के साथ बाहर निकलने को लेकर भी फतवे यहाँ पर जारी हो चुके हैं। अब इन फतवों के बाद यहाँ के जो मौलाना हैं उन्होंने एक बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिमों को बर्थडे पार्टी नहीं मनानी चाहिए। क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुनिए। अलैहि वसल्लम के अंदर कहीं भी नहीं देखा कि जन्मदिन के बारे में लिखा गया है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को उठाकर देखें, कभी अल्लाह के रसूल ने जो है जन्मदिन नहीं मनाया, हजरत सहाबा ने जन्मदिन नहीं मनाया, तो मुसलमान क्यों जन्मदिन मना रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तौर तरीका ईसाइयों का है, ईसाई हजरत जो है जन्मदिन मनाते हैं, उन्हीं के तौर तरीक़ों को मुसलमान इख्तियार करता जा रहा है, तो ये शरीयत के अंदर नई चीज़ पैदा करना है। शरीयत में कोई जन्मदिन की कोई हैसियत या कोई जन्मदिन के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि मैं तमाम ही उम्मत मुस्लिमा से अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद की जानिब से भी अपील करूँगा कि जो चीज़ शरीयत के अंदर नहीं है उसको हरगिज़ न किया जाए, गैरों का तौर तरीका इख्तियार न किया जाए। हदीस है कि जो शख्स दुनिया में किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ में उठाया जाएगा। तो उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करें ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के झंडे के नीचे जमा हों और उन्हीं के साथ उठाया जाए। बिल्कुल मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए इन तमाम ही खुराफात से जो इस्लाम के अंदर नहीं है, शरीयत के अंदर नहीं है, कुरान और अहादीस के अंदर नहीं है, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, हजरत सहाबा ने नहीं किया, तो मुसलमानों को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो सुना आपने, मौलाना कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मुस्लिम धर्म के लोग जो मुसलमान हैं वो क्यों बर्थडे पार्टी मना रहे हैं जबकि ये ईसाई धर्म का हिस्सा है। अब ये कहने के बाद तरह तरह के रिएक्शंस जो भी हैं वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इससे पहले जो गाज़ियाबाद के उलेमा हैं उन्होंने भी, कई उलेमाओं ने यहाँ पर निकाह में DJ बजाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, इसके खिलाफ यहाँ पर फरमान जारी किया था और कहा था कि जिस भी निकाह में DJ बजाया जाएगा, आतिशबाजी होगी, उसका वो बहिष्कार करेंगे। अब इसके बाद जो दारुल उलूम के जो मौलाना हैं उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि बर्थडे पार्टी मुसलमान क्यों मनाते हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।